प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस वन प्लस वन बाई सिक्स लॉग टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन प्लस वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स टू टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे कि माना आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इसे आगे सरल करने के लिए इसके हर में कॉस क्यूब एक्स से गुणा कर देते हैं और कॉस क्यूब एक्स से भाग कर देते हैं अपॉन कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर भाग कर रहे हैं। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स अपॉन, देखिए ये है कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स को आप साइन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं। साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स आपको मिल जाएगा टेन क्यूब एक्स प्लस वन। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपको मिल जाएगा टेन एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन क्यूब एक्स प्लस वन डी एक्स। माना कि टेन एक्स इक्वल टू टी है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस प्रकार आपको आगे मिल जाएगा आई इक्वल टू टेन एक्स दैट इज टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज डी टी अपॉन टेन क्यूब एक्स तो टी क्यूब प्लस वन। तो इसको हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, ये टी डी टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्म पर है तो ये मिल जाएगा टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब इसे सरल करने के लिए पहले हम आंशिक भिन्नों में बदलेंगे और फिर इसे आगे सरल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। तो इसमें आगे मान लेते हैं कि ये समीकरण दो है, इसमें आगे हमें करना होगा कि इसे सरल करके गुणांकों की तुलना करना होगा और ए बी और सी का मान लाना होगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी प्लस वन। इसे और सरल कर सकते हैं ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए प्लस बी टी इंटू टी बी टी स्क्वायर प्लस वन इंटू बी टी प्लस सी इंटू टी सी टी प्लस वन। तो टी इक्वल टू पहले टी स्क्वायर के गुणांक को कलेक्ट करते हैं, ये ए और ये बी ए प्लस बी, फिर टी के साथ में माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये सी के साथ वन का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा सी। अब टी के गुणांक को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर कांस्टेंट ये ए और सी तो प्लस ए प्लस सी। आगे हम लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर टी स्क्वायर का गुणांक है ए प्लस बी, मान लेते हैं कि समीकरण तीन है और लेफ्ट साइड पर टी स्क्वायर का गुणांक शून्य है। इस प्रकार राइट हैंड साइड पर टी का गुणांक है माइनस ए
प्लस बी प्लस सी और राइट हैंड साइड पर है एक, यह टी का गुणांक है, चौथा समीकरण, और अचर राशि है ए प्लस सी और इस तरफ है शून्य। मान लेते हैं कि समीकरण पाँच है। समीकरण तीन और पाँच को पहले जोड़ देते हैं। समीकरण तीन धन समीकरण पाँच, ए और ए दो बार है तो आपको मिल जाएगा टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब समीकरण चार, समीकरण चार को हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन। अब इसे हम घटा देते हैं, घटा देंगे तो माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और ये माइनस, तो टू ए प्लस ए दैट इज़ थ्री ए, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल और ये माइनस वन। इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। तो यहाँ से समीकरण पाँच से, समीकरण पाँच से सी इक्वल टू माइनस ए, तो आपको मिल जाएगा सी इक्वल टू वन बाई थ्री। ए का मान मिल गया, सी का मान मिल गया, बी का मान बचा हुआ है तो बी इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए अगेन वन बाई थ्री, तो बी का मान भी आपको मिल गया वन बाई थ्री। ए का मान माइनस वन बाई थ्री, बी का मान वन बाई थ्री और सी का मान वन बाई थ्री। इन तीनों मानों को हम समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण दो में ए बी और सी का मान रखने पर, ये मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इंटू टी प्लस वन और फिर वन बाई थ्री इंटू टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। अब दोनों पक्षों का यदि हम समाकलन करें तो ये टी डी टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डी टी अपॉन टी प्लस वन, फिर प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन साइन टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी। माना कि ये आई वन प्लस आई टू है, पहले I1 को सरल करते हैं। I1 इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डी टी अपॉन टी प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस वन बाई थ्री लॉग ऑफ टी प्लस वन, और यदि आप कांस्टेंट लिखना चाहें तो प्लस सी वन लिख सकते हैं। माना कि ये समीकरण सात है। अब I2 के लिए सॉल्व करते हैं। I2 इक्वल टू है वन बाई थ्री इंटीग्रेशन साइन टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं, इसके लिए हम लिखते हैं कि माना अंश में जो राशि है ये ए एक अचर राशि है और डी बाई डी टी, यहाँ पर टी है तो ये डी बाई डी टी हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस बी के फॉर्म पर है। मान लेते हैं कि ये आठ है और ये समीकरण नौ है, तो ये आपको मिल जाएगा टी प्लस वन इक्वल टू ए इंटू टू टी माइनस वन प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो टी इंटू टू ए फिर माइनस ए प्लस बी, गुणांकों की तुलना करेंगे टी का गुणांक एक है यहाँ पर टू ए है तो 2a इक्वल टू वन दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू वन बाई टू, ये रिजल्ट हमें मिल चुका। फिर a माइनस ए प्लस बी और इक्वल टू a तो माइनस a प्लस बी इक्वल टू वन दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू वन प्लस a इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू थ्री बाई टू। a का मान मिल चुका, b का मान मिल चुका। अब इसका उपयोग हम समीकरण 10 में करेंगे। समीकरण 10 का ये वाला भाग, ये टी प्लस वन इक्वल टू ए इंटू टू टी माइनस वन प्लस बी, इस फॉर्म में आगे रख करके सरल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 10 में मान रखने पर हमें मिल जाएगा टी प्लस वन इक्वल टू
वन बाई टू टू टी माइनस वन प्लस थ्री बाई टू। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा आई टू इक्वल टू वन बाई थ्री वन बाई टू टू टी माइनस वन प्लस थ्री बाई टू अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, और फिर ये डी टी। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू इंटीग्रेशन टू टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी प्लस थ्री बाई टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई थ्री और फिर ये वन बाई टू। इसको ऐसे इस प्रकार के प्रश्न हल कर चुके हैं, इसमें हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। यदि आप हर में जो दी गई राशि है उसका अवकलन करें तो अंश में दिया गया पद मिले। तो इस प्रकार के फलन का समाकलन करने पर लॉग और उसके बाद हर वाला जो फलन है जैसे कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन ये हमें मिलता है प्लस थ्री बाई टू। उसे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे, ये डी टी और ये टी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में मिलेगा। तो हम टू ए बी टू ए बी इस फॉर्म में करते हैं। तो बी का स्क्वायर लिखने के लिए हमें बी का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, प्लस वन। आगे है वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू फिर लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस थ्री बाई टू इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फलन है ये आपको टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर देगा, और फिर वन माइनस वन बाई थ्री तो दैट इज़ थ्री बाई फोर। और थ्री बाई फोर को हम लिख सकते हैं रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, और फिर ये फलन। तो आगे सॉल्व करते हैं वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू और फिर लॉग में है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस थ्री बाई टू। ये इस फलन को बिलोंग करता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस फार्मूले से हमें मिल जाएगा वन अपॉन ए तो वन अपॉन रूट थ्री बाई टू टेन इनवर्स एक्स अर्थात टी माइनस वन बाई टू अपॉन ए रूट थ्री बाई टू प्लस सी टू। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो मिल जाएगा वन बाई सिक्स लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। ये टू अंश में चला जाएगा और ये टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा रूट थ्री। ये रूट थ्री टेन इनवर्स टू टी माइनस वन अपॉन रूट थ्री ये टू कैंसिल हो जाएगा प्लस सी टू। मान लेते हैं कि यह समीकरण 11 है। तो हमें जो मान प्राप्त हुए हैं आई वन और आई टू के उसे हम रख दें तो हमें मिल जाएगा टी डी टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री लॉग टी प्लस वन प्लस सी वन प्लस वन बाई सिक्स लॉग टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस रूट थ्री टेन इनवर्स टू टी माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी टू। अब टी के स्थान पर हम टेन एक्स रख देते हैं तो माइनस वन बाई थ्री लॉग टेन एक्स प्लस वन प्लस वन बाई सिक्स लॉग टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन प्लस रूट थ्री टेन इनवर्स टू टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी वन प्लस सी टू। यदि वन सी वन और सी टू की उपेक्षा कर दें तो लिखेंगे कि सी वन व सी टू की उपेक्षा करने पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस वन प्लस वन बाई सिक्स लॉग ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन प्लस रूट थ्री टेन इनवर्स टू टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था।
तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30 टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 2 बाई 15 टेन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान करके चलते हैं कि आई इक्वल टू जो दिया गया फलन है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो दिया गया फलन ये है। तो आगे सरल करने के लिए पहले हम ये कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो यह है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करके हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे आपको मिल जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करने पर मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर। मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है। अब प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, माना साइन थीटा इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। मान लेते हैं कि ये समीकरण दो है और ये वाला समीकरण तीन है। समीकरण एक में ये जो समीकरण है इसमें इन दोनों मानों को रख देते हैं, तो आई इक्वल टू डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ये हमें मिल चुका। अब ये मान करके चलते हैं कि ये समीकरण चार है, इसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करके हम आगे सरल करेंगे। माना 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस एक्स 1 प्लस 4 एक्स। मान लेते हैं कि ये समीकरण पाँच है और यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमने यह माना है, तो पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 4 एक्स, ये इक्वल टू आप लिखेंगे ए अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस 4 एक्स। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 4 एक्स प्लस बी इंटू 4 प्लस एक्स। अब इसके गुणांकों की हम तुलना करेंगे और ए और बी का मान लेकर के आएंगे। तो आगे हम लिखेंगे कि गुणांकों की तुलना करने पर देखिए यहाँ पर x है, x का गुणांक 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में x वाला पद नहीं है, तो यह हमें मिल जाएगा शून्य। मान लेते हैं कि समीकरण 6 है। यदि इसे आप आगे सरल करेंगे तो b इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 4a। अब अचर पद को कैलकुलेट करते हैं, a के साथ 1 का मल्टीप्लाई a प्लस 4b, ए प्लस 4b इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 7 है। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है उसको हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो आगे आपको मिल जाएगा a प्लस 4 इंटू माइनस 4a इक्वल टू 1, तो मिल जाएगा माइनस 15a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15, ये मान हमें मिल चुका। अब b का मान माइनस 4 इंटू ए, तो ये माइनस 1 अपॉन 15, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू 4 अपॉन 15। ए का मान मिल चुका, मान लेते हैं कि समीकरण 8 है या और ये 9 है।
ए और बी का मान मिल चुका है, यहाँ पर हम रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/4 + x (1+4x) = ए, ए का मान है -1/15, तो ये -1/15, फिर 4 × x, और फिर प्लस बी अपॉन, तो ये +4/15, 1+4x (1+4x). अब एक्चुअल मान हम रख देते हैं, चूँकि x = t², तो आपको मिल जाएगा 1/4 + t² (1+4t² = -1/15, 4+t² + 4/15, 1+4 × t². दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, ये dt और ये dt, तो यहाँ से -1/15 कॉमन आ जाएगा, और dt/4+t², बेसिकली ये t² + 2 का स्क्वायर है, तो ये 1/a tan इनवर्स x/a इस फॉर्म में बिलोंग कर रहा है, तो इस प्रकार इसका हल हम लिख सकते हैं, और प्लस ये 4/15। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए आगे प्रक्रिया करनी होगी, तो पहली बात ये कि यहाँ से हम 1/4 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, 1/4 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो ये आ गया dt/, ये तो आ गया आपका t² + 1/4, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -1/30 tan inverse t/2 प्लस ये 4 और 4 कैंसिल, मिल जाएगा 1/15, और ये dt/t² + 1/2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -1/30 tan inverse t/2 + 1/15 1/a tan inverse x/a, तो t/1/2 + c, तो हमें मिल जाएगा -1/30 tan inverse t/2 + 2/15 tan inverse 2t + c। यदि हम c की उपेक्षा कर दें, और c की उपेक्षा करने पर और t का मान रखने पर, ये दोनों मान रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा (1/cos θ dθ/4+sin²θ)((−1/30 tan inverse sin θ/2 + 2/15 tan inverse 2 sin θ)), 2 sin θ, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था।